दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा फ़ोन है, कहाँ से आ गया, कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, ये चाइना का ब्रांड है और इसका नाम है ZTE Nubia Z18 इस फ़ोन का नाम है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इसका डिस्प्ले कैसा है। तो LTPS IPS LCD वाला इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है दोस्तों। स्क्रीन साइज 6 इंचेस का, रिजोल्यूशन आपको मिलता है 18:9 का, जैसे कि आजकल के फ़ोन्स आते हैं। और इसमें जो रिजोल्यूशन है दोस्तों वो मिलता है आपको 403 पिक्सल पर इंच आपको मिलता है 403 का। और प्रोटेक्शन जो है इसमें दिया हुआ है गोरिल्ला ग्लास 3, नूविया का UI है 6.0। तो जो जैसे कि बाकी के चाइना के फ़ोन्स में होता है अपना अलग UI, वैसे इसमें भी है। वाटर ड्रॉप नॉच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों इस फ़ोन की, तो सबसे पहले देखते हैं और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों एंड्रॉयड का 8.1 ओडियो है, तो अच्छी बात है दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स ये ओडियो में निकल रहा है। और चिपसेट जो है इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम 845 है। और इसमें CPU दिया हुआ है ऑक्टा कोर और GPU दिया हुआ है एड्रिनो का 630, जो कि बना देगा आपके फ़ोन को एक पावरफुल चिपसेट वाला फ़ोन जिसमें आप खेल सकते हैं कोई भी गेम हाई सेटिंग्स पर भी, मतलब हाई ग्राफिक्स पर भी खेल सकते हैं। तो PUBG हो, एसफेल्ट 9 हो, खेलिए, अब आप हाई सेटिंग पर कोई भी लैगिनेस आपको फ़ोन में नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये इसका प्रोसेसर है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका कैमरा मैं आगे बताऊंगा, कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितना स्टोरेज आपको मिलता है। तो कार्ड स्लॉट तो भैया आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंटरनल आपको मिलता है 128 और 64, जिसमें आपको मिलता है 8 GB और 6 GB के वेरियंट में। एक्सपेंड नहीं कर सकते, थोड़ा कॉन दिख रहा है तो आपको ऑब्वियसली जाना होगा 128 GB के साथ में ही, क्योंकि 64 में तो काम भैया नहीं चलने वाला। और दोस्तों जो इसका कैमरा है, कैमरा दोस्तों इसमें मिलता है आपको 24 MP का प्लस 16 MP का कैमरा विथ f1.6 के अपर्चर के साथ, दोनों कैमरा f1.6 के अपर्चर के साथ है। OIS भी जो है इसमें दोस्तों गिवन है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन गिवन है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग आप जब करेंगे तो वीडियो आपका सेकी नहीं बनेगा। अदर फीचर जो है कैमरा के, डुअल टोन LED फ्लैश दिया हुआ है दोस्तों, SDR मोड दिया हुआ है दोस्तों, पैनोरामा भी दिया हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 2160p एट 30 fps प्लस 1080p एट 30 fps। तो यहाँ पर इस प्राइस रेंज पे आपको बेस्ट कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। सेल्फी कैमरा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मात खा गया है, 8 MP का सेल्फी कैमरा है f2.0 के अपर्चर के साथ, SDR मोड मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग है 1080p 30 fps। तो दोस्तों रियर कैमरा तो बहुत अच्छा दिया है, सेल्फी कैमरा थोड़ा डाउन है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, बट देखते हैं अगर कुछ चीज़ें अच्छी है तो कुछ चीज़ें खराब भी है। और कुछ चीज़ें जैसे इसमें दोस्तों है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर माउंटेड है, एक्सेलेरोमीटर दिया हुआ, जायरोस्कोप है, अप्रॉक्सीमेट कंपास सेंसर, सारे सेंसर है। बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं 9V 2A, मतलब 18W का चार्जर है, तो फास्ट चार्जर, क्विक चार्जर आप बोल सकते हैं दोस्तों इस फ़ोन में आपको मिलेगा। और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं दोस्तों, सेंसर्स में फेस अनलॉकिंग फीचर्स भी होंगे, जैसे कि आजकल के फ़ोन्स में आ रहे हैं क्विक फेस अनलॉकिंग फीचर्स वाले, तो इसमें भी आपको वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके बैटरी की, 3450 mAh की बैटरी है, मतलब 3450 mAh की, तो बैटरी भी थोड़ी कम है, 4000 या थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था दोस्तों। और अगर कलर्स देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे अच्छा कलर तो मुझे इसका लगता है स्ट्रे नाइट वाला कलर, ब्लैक रेड भी अच्छे ही हैं, बट स्ट्रे नाइट यार गजब लगता है, प्रीमियम लुक दे रहा है फ़ोन को। और दोस्तों यहाँ पर हैं इसके तीनों के तीनों कलर, और फ्रंट से भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, तो गोल गोल ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इस फ़ोन को। कैमरा हो, प्रोसेसर हो, या फिर इसका बिल्ड क्वालिटी हो, सारी चीज़ इस फ़ोन में बेस्ट है दोस्तों। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा इस फ़ोन को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कर ही दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। और अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो यार प्लीज़ देखिएगा, मैंने उसमें अनबॉक्सिंग